A very good morning to you all. So today we are discussing our fifth chapter of science, that is separation of substance. So here we go. Firstly, what is mixture? ये mixture क्या होता है? A mixture is a combination of two or more substance mixed in any ratio. Mixture क्या होता है? Combination होता है किन का? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का, जब वो आपस में मिक्स करे जाते हैं किसी भी रेशियो में. ऐसा नहीं है कि एक सब्सटेंस को हमने ज़्यादा लिया है एंड सेकंड को हमने कम लिया, उनका रेशियो कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा मिक्सचर कहलाता है. नीड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर. अब इन मिक्सचर को हमें सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों होती है? टू रिमूव अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस. क्या करने के लिए? अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस मीन्स जो सब्सटेंस की नीड हमको नहीं होती है, जो बेकार चीज़ें हैं. टू टेक आउट इम्प्योरिटीज़, उसमें से इम्प्योरिटीज़ हटाने के लिए. टू ऑप्टेन यूज़फुल कंपोनेंट, और उसमें से यूज़फुल कंपोनेंट को अलग कर लेते हैं. मेथड सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड. अब हमारी कौन सी मेथड देख रहे हैं हम कि सॉलिड में से सॉलिड को सब्सटेंस कैसे सेपरेट कैसे करेंगे. फर्स्ट है हैंड पिकिंग. तो हैंड पिकिंग में क्या होता है? दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीसेज ऑफ डस्ट स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट राइस और पल्सेस. इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जब क्या होता है घर पे जब क्या होता है, हमारी मम्मी लोग क्या करते हैं, दाल चावल बनाते हैं ना, तो उस पर पहले क्या करते हैं, उसको पहले क्या करते हैं, बिन लेते हैं. तो फर्स्ट मेथड हमारी क्या करते हैं घर वाले हमारे, हैंड पिकिंग करते हैं. उसमें से क्या कर रहे हैं, सारी इम्प्योरिटीज़ को अलग कर दे रहे हैं, जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस हैं उनको हटा रहे हैं, जो इम्प्योरिटीज़ है वो उनको हटा रहे हैं. तो कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं, हैंड पिकिंग. सेकेंड मेथड क्या है, सीविंग. इट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग सॉलिड कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर वेरिंग इन साइजेस. इसमें हमारा क्या हो रहा है, अलग अलग साइज़ के मिक्सचर हैं, उसमें से सॉलिड को क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं. इसका एग्जांपल क्या है, सेपरेशन ऑफ सॉफ्ट फ्रॉम व्हीट फ्लोर. जैसे क्या करते हैं आप, एक ये एग्जांपल समझ लीजिए कि जब हमारी मम्मी लोग क्या करते हैं घर पे, हम आटा मलते हैं ना, तो उससे पहले क्या करते हैं, एक छलनी की हेल्प से उसको छान लेते हैं. तो वही क्या हो रहा है, सेविंग में जो मेथड होती है वो वही मेथड है. थर्ड वन इज़ विनोविंग. इट इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड. इसमें क्या हो रहा है, विंड की हेल्प से भारी और लाइट, हैवियर एंड लाइट कंपोनेंट को सेपरेट कर लिया जाता है, किसे, विंड की हेल्प से. इसके एग्जांपल है, फार्मर्स यूज दिस मेथड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस. अब क्या है, अब थ्रेसिंग. सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेसिंग. इसमें क्या होता है, अनाज और उसके दानों को दोनों के क्या कर लिया जाता है, अलग अलग कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है. थ्रेसिंग कैन बी डन मैनुअली और बाय एनिमल्स लाइक ब्लॉक्स और बाय मशीन्स. आफ्टर दैट सेडिमेंटेशन. व्हाट इज सेडिमेंटेशन, व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स After water is added to it. जब क्या होता है, heavier component of mixture क्या हो जाते हैं, settle down हो जाते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, water add किया जाता है. और फिर क्या होता है, if water we have added the water then what happen, जो lighter हमारे component थे वो क्या थे, lighter जो थे वो ऊपर आ गए, तो उससे क्या होगा, हमने water add कर दिया, तो वो क्या हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे. And the process is called sedimentation. Decantation, when the water along with the dust is removed, the process is called decantation. जब water के साथ हमारा dust जो है वो remove हो जाता है, तो वो process कौन सी है, decantation. Evaporation, the process of conversion of water into its vapor. कौन सी process, water का conversion किस में हो रहा है, उसके vapor form में. ये प्रोसेस क्या कहला रही है, इवेपोरेशन. कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म. जब वेपर से वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में आ रहे हैं, तो वो प्रोसेस कौन सी है, कंडेंसेशन.